वक्त हमारे साथ नरेश पारस जुड़े हुए हैं जो कि बच्चों के हक में काम करते हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। नरेश जी, पूरा क्या मामला है जो आपने आरटीआई डाली है और लगभग 3 लड़कियां प्रतिदिन गायब होने का जो औसत आ रहा है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझाइए। इसमें उत्तर प्रदेश में लापता बच्चों का डेटा मैंने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मांगा था, तो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में ये डेटा अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने यूपी के सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को लेटर भेजकर डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा, जिनमें से 50 जिलों का डेटा मेरे पास में आया है। तो 50 जिलों का डेटा एनालिसिस किया है तो उसमें पता चला है कि वर्ष 2020 में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कुल 1763 बच्चे लापता हुए हैं। तो इनका अगर विश्लेषण अगर हम करते हैं तो करीब 5 बच्चे हर रोज यूपी से गायब हो रहे हैं, जिनमें से 1166 लड़कियां हैं, तो यानी कि हर रोज 3 लड़कियां गायब हो रही हैं। और एज ग्रुप जो आया, बड़ा ही चौंका देने वाला एज ग्रुप है 12 साल से 18 साल की उम्र की लड़कियां ज्यादा गायब हैं, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। आखिर में 12 से लेकर 18 साल तक की लड़कियां जा कहां रही हैं, क्या वो उनको किसी प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है या वो कहीं ट्रैफिकिंग की शिकार हैं, तो ये एक पूरा मामला है जो बड़ा संवेदनशील मामला है, जिनमें से 1080 लड़कियां जिनकी उम्र ऐसी है 12 से लेकर 18 साल के बीच में है, तो ये बच्चे मिसिंग हैं। और अभी भी 302 बच्चे ऐसे हैं जिनको पुलिस ने बरामद नहीं किया है, यानी कि उनमें से 200 लड़कियां हैं और 102 लड़के हैं, ये पिछले साल लापता हुए थे जिनको पुलिस आज तक ढूंढ नहीं पाई है। अगर नरेश हम बात करें इस पर कि 102 लड़के 200 लड़कियां, पुलिस बेसुराग है, कैसे देखते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है और क्या पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठते हैं? देखिए, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठते हैं, क्योंकि लापता बच्चे पुलिस की प्रायोरिटी पर नहीं होते हैं, वो अन्य दूसरे क्राइमों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जो लापता बच्चे हैं उनको ये गंभीरता से नहीं लेते। एक तो उनकी लापता रिपोर्ट दर्ज करने में बड़ी हीलावाली करते हैं, और उसके बाद में अगर रिपोर्ट दर्ज हो भी जाती है तो उसको तलाशने के लिए ये तमाम तरह के बहाने बनाते हैं। कभी तो कहा जाता है कि बच्चों को ट्रेस करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास वाहन नहीं है, तो इस तरह से ये जो करते हैं। और जो हालांकि देखा जाए तो हर जिले में गुमशुदा प्रकोष्ठ बने हुए हैं, हर जिले में मानव तस्करी निरोधक थाने बनाए गए हैं, जबकि प्रावधान ये है कि अगर कोई बच्चा 4 महीने तक नहीं मिलता है तो उसका केस मानव तस्करी निरोधक थाने को ट्रांसफर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये जो बच्चा अपने आप वापस आ जाता है उसको ये बरामदगी दिखा देते हैं, लेकिन अपने तरफ से ये कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, आप कैसे देखते हैं, क्या ये मानव तस्करी का ही हिस्सा है जिसको प्रशासन या शासन की हम बात करें वो गंभीरता से नहीं ले रहा, क्योंकि हर रोज 3 बच्चियां उत्तर प्रदेश से गायब होना और 2 लड़के गायब होना।